महिलाओं में हार्मोन्स थायराइड, ज़्यादातर महिलाओं में थायराइड हार्मोन के असंतुलन के कारण बीमारियां होती है। यह हमारी बॉडी में मौजूद एक ग्रंथि का नाम है। असंतुलित होने पर इस हार्मोन के असंतुलित होने का सबसे ज़्यादा असर उनकी फर्टिलिटी, बच्चे पैदा करने की क्षमता पर पड़ता है। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों ही सेक्स हार्मोन होते हैं जो महिलाओं में फर्टिलिटी से जुड़े होते हैं। एस्ट्रोजेन का काम हड्डियों को मजबूत करना भी होता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद हड्डियां कमजोर होना हो जाने की वजह भी एस्ट्रोजेन की कमी ही होती है। इसके लिए डॉक्टर उन्हें कैल्शियम की गोलियां खाने को देते हैं। वहीं प्रोजेस्टेरोन का काम महिलाओं में पीरियड्स के साइकिल को सही रखना और पहले 3 महीने में माँ के गर्भ में बच्चे के बढ़ने में मदद करना होता है। असंतुलन होने पर मेंसेस साइकिल में गड़बड़ी होना, ज़्यादा ब्लीडिंग होना, कभी कभी महीने में 3 या 4 बार ब्लीडिंग होना जैसी समस्याएं होती है। उम्र बढ़ने पर बच्चे पैदा करने में दिक्कत आने जैसी परेशानियां भी हो सकती है। इंसुलिन, इसका मुख्य काम बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करना है। महिलाओं में भी ग्लूकोज की नॉर्मल मात्रा फास्टिंग में 70 से 100 और नॉन फास्टिंग में 140 डेसीमीटर होती है। असंतुलित होने पर ब्लड में इंसुलिन कम होने पर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसका असर बॉडी के करीब सभी ऑर्गन्स पर पड़ता है। इसके असंतुलन से घाव जल्दी नहीं भरते, हाथ पैरों में दर्द रहना शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी पेशाब आना, वजन घटना, भूख का काफ़ी कम हो जाना आदि इसके लक्षण है। If you need more information about health policy, everything on our website, we have